वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशंस करेंगे बेटा। एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज उन्हें अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो में। हम लेट अस स्टार्ट नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल्स, स्टाइल्स को यूज करने की एडवांटेज क्या है। आंसर इज अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन चेंज यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेज टेक्स्ट फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। स्टाइल्स सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जो आप अप्लाई करते हो किसी पेज के ऊपर, सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्विकली अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। अब एडवांटेज क्या है स्टाइल्स की। फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्टाइल्स आर स्टाइल्स हेल्प अस टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट। यानी आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, एक सेम फॉर्मेटिंग मीन्स सेम लुक प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज यूजिंग स्टाइल वी कैन ईजली चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। स्टाइल्स का यूज करें पहले से बने हुए फॉर्मेट को भी आप इजली चेंज कर सकते हो। थर्ड वन स्टाइल मेक्स मेजर फॉर्मेटिंग चेंज सिंपल। फॉर्मेटिंग चेंज करना सिंपल हो गया है विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी फोर स्टाइल्स सपोर्टेड बाय openoffice.org। एनी फोर स्टाइल्स बताने हैं जो कि ओपन ऑफिस सपोर्ट करता है। फोर स्टाइल सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस आर फर्स्ट वन इज पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में देखो एक पेज का आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, उसमें हो सकता है मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ये पेज स्टाइल है। पेज स्टाइल इंक्लूड मार्जन्स, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ पैराग्राफ अपीयरेंस। पैराग्राफ स्टाइल जितने भी पैराग्राफ की सेटिंग है उसको कंट्रोल करता है, सच एज टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टैब की स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स। थर्ड वन इज करेक्टर स्टाइल। इट इन फैक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। करेक्टर्स क्या है, ये आपका एक वर्ड भी हो सकता है या सिलेक्टेड टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर एक सिंगल करेक्टर भी हो सकता है एक पैराग्राफ के अंदर। उसका अगर आप फॉन्ट का साइज चेंज करते हो, फॉन्ट कलर चेंज करते हो, उन्हें बोल्ड इटैलिक करते हो तो वो आपका करेक्टर स्टाइल है। नेक्स्ट है आपके पास नंबर स्टाइल। नंबर स्टाइल अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट्स। नंबर स्टाइल्स में अगर आपको अलाइनमेंट देना है नंबर्स को, बुलेट्स को, है इनका फॉर्मेट चेंज करना है तब आप यूज करते हो नंबर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल। आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपना स्टाइल। ऑप्शन वी कैन क्रिएट आवर स्टाइल बाय टू वेज। दो वेज से आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। सेकेंड है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप टू क्रिएट ए स्टाइल। दो मेथड यूज करते हो आप एक स्टाइल क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट क्रिएट करते हो स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन से, सेकेंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से एक स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी फोर ग्राफिक फिल्टर। एनी फोर ग्राफिक फिल्टर एक्सप्लेन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक आपका जो टाइप ऑफ स्टाइल वो 4 मार्क्स में आ सकता है और ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। 4 टाइप ऑफ ग्राफिक फिल्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका इन्वर्ट। इन्वर्ट द कलर वैल्यूज ऑफ द कलर इमेज और द ब्राइटनेस। नेक्स्ट वन इज ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ द ग्रे स्केल इमेज। यानी आपकी जो भी आपने कलर्स अप्लाई किए हुए हैं उनको इन्वर्ट कर देगा या फिर ग्रे स्केल में चेंज कर देता है, उसमें ग्रे स्केल की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड है स्मूथ, सॉफ्टन द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज। शार्पन, ये इंक्रीज कर देता है कंट्रास्ट को और ये सॉफ्ट करेगा कंट्रास्ट को। फोर्थ वन है पोस्टराइज, मेक द पिक्चर अपीयर लाइक अ पेंटिंग, कि आपकी पिक्चर्स को पोस्टर की तरह या पेंटिंग की तरह क्रिएट कर देगा। ये आपके 4 ग्राफिक फिल्टर हैं, इजी हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिए, ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन इज
एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग. इमेज क्रॉपिंग क्या है? व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन ए सेक्शन ऑफ द इमेज फॉर द पर्पज ऑफ योर डॉक्यूमेंट. अगर मुझे सिर्फ ये पार्ट इमेज का चाहिए, ओनली ऊपर वाला पार्ट, हेडिंग्स, पूरी पिक्चर नहीं चाहिए. वो बोल रहे हैं व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन ए सेक्शन ऑफ द इमेज, एक स्मॉल पार्ट में इंटरेस्टेड होते हो डॉक्यूमेंट के लिए, यू मे विश टू क्रॉप पार्ट्स ऑफ इट. तो आपको सारी इमेज का कुछ पार्ट कट करना चाहते हो, कट करोगे तभी आपको ये सिलेक्टेड पार्ट मिलेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, राइट क्लिक ऑन द इमेज, राइट क्लिक करोगे इमेज पर एंड सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, और वहां से आप पिक्चर को सेलेक्ट करोगे. इन पिक्चर डायलॉग बॉक्स में आप क्रॉप को सेलेक्ट करोगे, क्रॉप पेज को, एंड देन सेलेक्ट कर दोगे फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम विच यू वॉन्ट टू रिमूव, जिसको आप जितना पार्ट रिमूव करना चाहते हो, लेफ्ट से जितना पार्ट रिमूव करना चाहते हो. वो डायमेंशन दे दीजिए, वो साइज कितना पार्ट रिमूव करना है, राइट से कितना करना है, टॉप और बॉटम से कितना कितना रिमूव करना चाहते हो, वो पार्ट अप करके ओके प्रेस करोगे तो आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी. पर हम क्रॉप किस लिए यूज करते हैं, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन ए सेक्शन ऑफ द इमेज फॉर द पर्पज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू विश मे विश टू क्रॉप पार्ट ऑफ इट. जब आप कोई पार्ट कट ऑफ करना चाहते हो तब आप यूज करते हो इमेज क्रॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट एनी थ्री मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो कोई यानी थ्री मेथड्स बताइए जिनकी हेल्प से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो. फर्स्ट थ्री मेथड्स हैं कौन कौन से. फर्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप, कि पिक्चर पे क्लिक किया एंड ड्रॉप कर लिया, वो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है. सेकेंड वन इज इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड से कोई पिक्चर यानी क्लिप आर्ट गैलरी होती है, या कहीं पर आपकी सेव है कोई फाइल, क्लिपबोर्ड से आप ऐड कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके. थर्ड वन इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर. स्कैनर यानी किसी पेज पर आपकी वो पिक है, आप उसको स्कैन करके अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो. तो आपके पास थ्री मेथड है. फर्स्ट वन इज ड्रैग एंड ड्रॉप, सेकंड है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड, थर्ड वन है इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग. टेक्स्ट रैपिंग क्या है और एंकरिंग क्या है. फर्स्ट है आपके पास टेक्स्ट रैपिंग, रेफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट रैप मीन्स टेक्स्ट में आपको रैप करके किसी इमेज को एडजस्ट करना है. इसका रेफर है कि आप रिलेशन ऑफ ग्राफिक टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी आपकी ग्राफिक टेक्स्ट के सराउंडिंग में कैसे एडजस्ट होगी. विच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड, कि आपकी ग्राफिक जो है, पिक्चर जो इमेज है, वो आप रैप कर रहे हो वन साइड या बोथ साइड. जो आपका टेक्स्ट है वो बोथ साइड रैप हो रहा है या वन साइड रैप हो रहा है, या बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक, या फिर जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर प्रिंट हो रहा है, उसके पीछे जा रहा है, इमेज के बैक साइड में जा रहा है, या इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक आ रहा है. नेक्स्ट आपका एंकरिंग. टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या हो गया, रिलेशन ऑफ ग्राफिक टू द सराउंडिंग टेक्स्ट. नेक्स्ट आपका एंकरिंग. एंकरिंग क्या है, इट रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक्स, कि ग्राफिक का रेफरेंस पॉइंट क्या है. हर पिक्चर का कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट भी होता है. तो जो रेफरेंस पॉइंट है कि आपकी इमेज कहाँ आ रही है, टॉप पे, बॉटम पे, मिडल, उसको आप क्या बोलते हो, एंकरिंग. दिस पॉइंट कुड बी द पेज, एक पेज भी हो सकता है, एक फ्रेम भी हो सकता है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज, और जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा. नाउ एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट, हर इमेज का एक एंकर पॉइंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट. टेम्पलेट्स क्या है, उनके एडवांटेज क्या है. ए टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स. एग्जाम्पल देना है बेटा आपको साथ में, इतना राइट करने इट्स नॉट सफिशियंट, कि आप टेम्पल मॉडल है यूज कर जिसकी हेल्प से आप अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट करना चाहते हो एक टेम्पलेट बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें कि आपका कंपनी लोगो होगा फर्स्ट पेज पर,
व्हेन यू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस टेम्पलेट, जब आप इस टेम्पलेट से नया डॉक्यूमेंट करोगे देन टेम्पलेट विल हैव ऑल योर कंपनी लोगोज ऑन द फर्स्ट पेज. जो भी डॉक्यूमेंट आप इस टेम्पलेट की हेल्प से बनाओगे तो हर पेज पर, हर डॉक्यूमेंट पर, फर्स्ट पेज पर आपका लोगो क्रिएट हो. तो ये आप टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट. वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इज ईज ऑफ अपडेटिंग स्टाइल इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट. एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में अगर आपको स्टाइल्स अपडेट करने हैं तब हम टेम्पलेट यूज करते हैं. अदर क्या है आपका, इट ऑल्सो सेव योर टाइम. कि अगर आप हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेम स्टाइल अगर आपको बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा. अगर आपने टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स आप प्री डिफाइन है, लोगोस प्री डिफाइन बने हुए हैं, आपको सिर्फ कंटेंट राइट करना है, देन इससे आपका टाइम सेव होगा. नेक्स्ट वन इज, वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट. इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. स्टाइल और टेम्पलेट के बीच में डिफरेंस क्या है. टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट. ये हमने अभी राइट रीड किया है. स्टाइल्स क्या होता है, स्टाइल सेट ऑफ फॉर्मेट होता है दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज, टेक्स्ट फ्रेम एंड अदर एलिमेंट इन क्विकली इन ए डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस. ये दोनों की डेफिनेशंस हो गई. दूसरा डिफरेंस क्या है, टेम्पलेट हेल्प टू कीप फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट. जो टेम्पलेट में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के लिए कंसिस्टेंट होती है, बट जो स्टाइल्स आप अप्लाई करते हो वो पूरे एक सिमिलर डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है. मीन्स देखिए वो बोल रहा है, स्टाइल्स हेल्प टू कीप फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट इन द इंटायर डॉक्यूमेंट. मीन्स एक सेम डॉक्यूमेंट में आप फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट रख सकते हो, और यहाँ पर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में स्टाइल्स या फॉर्मेटिंग आप कंसिस्टेंट रख सकते हो. ठीक है, डिफरेंस देखिए, टेम्पलेट हेल्प टू कीप फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. टेम्पलेट्स में तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में चली जाएगी, एंड स्टाइल्स में क्या होगा, जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो कंसिस्टेंट रहेगी इन इंटायर डॉक्यूमेंट. दिस द मेन डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज, एक्सप्लेन मेल मर्ज. लास्ट टॉपिक आपका मेल मर्ज का. तो मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज इज अ वे टू टेक ए लेटर यू हैव रिटन एंड सेंड टू ए होल बंच ऑफ पीपल्स. जब आपको एक बंच ऑफ पीपल्स को सेम लेटर राइट करके सेंड करना है तो मेल मर्ज वो वे है जिसकी हेल्प से आप लेटर को राइट भी करते हो और सेंड करते हो नंबर ऑफ पीपल्स को. पर्सनलाइज इट विद इंफॉर्मेशन अबाउट देम सो दे माइट थिंक दैट यू टाइप द लेटर पर्सनली फॉर देम. ये इसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से एडिट की जाती है तो हर पर्सन को ये लगता है कि पर्सनली उसके लिए ही टाइप किया गया है. इन शॉर्ट इट्स अ वे टू बी पर्सनल येट एफिशिएंट, कि आप पर्सनली भी उसको फिल करवाएं और आपके लिए एफिशिएंट वे भी हो. नेक्स्ट वन इज, तब आपको नंबर ऑफ पीपल को सेम लेटर सेंड करना है तब हम मेल मर्ज को यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज, वट आर द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज. एडवांटेज क्या है, अब मेल मर्ज में आपको एक चीज और बताती हूँ बेटा. मेल मर्ज में आपकी तीन फाइल्स क्रिएट होती हैं. फर्स्ट, जिसमें लेटर राइट करोगे जो सेम होगा सबके लिए उसको बोलते हैं मेन डॉक्यूमेंट. सेकंड, जिसमें एड्रेस टाइप होते हैं सबके उसको बोलते हो डाटा सोर्स. थर्ड वन इज, जो इन दोनों का मिक्सचर है मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स का, दैट इज नोन एज मर्ज डॉक्यूमेंट. अब एडवांटेज क्या है मेल मर्ज की, एडवांटेज है बेटा देखिए, फर्स्ट वन, इट सेव आवर टाइम एंड एफर्ट्स. सेकंड वन इज, इट हेल्प टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड लेटर इन ए वेरी लेस टाइम. बहुत लेस टाइम में आप मल्टीपल लेटर्स क्रिएट कर सकते हो. इट ऑल्सो हेल्प टू कीप द फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट इन ऑल लेटर्स. और आपकी फॉर्मेटिंग, अगर आपने एक लेटर में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वही फॉर्मेटिंग आपकी ऑल लेटर्स में अपीयर होगी. मीन्स ये आपकी हेल्प टू कीप द फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट इन ऑल लेटर्स. ये थ्रीज आर द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.